स्मार्ट एजुकेशन हेलो बच्चों, मेरा नाम गजेंद्र साहू है। नाम फिजिक्स फैकल्टी इन स्मार्ट एजुकेशन। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पुली के बारे में। पुली जब कंस्ट्रेंट मोशन होता है उस कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पढ़ने वाले। तो हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन के कई सारे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए बहुत बढ़िया तरीका होता है, मैं आपको उस तरीके पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमें इन जनरल पता है जैसे कि ये एक पुली है, ये यहां पर से एक ब्लॉक लगा हुआ है, यहां पे एक दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है ए और ये बी। ठीक है, कंस्टेंट मोशन के इस पार्ट में सिर्फ हम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स मतलब फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन कितना है, इस बारे में भी हम नहीं पढ़ रहे। तो हमको बच्चों पता है कि अगर मैं इस ब्लॉक को x डिस्टेंस नीचे लेके जाऊं तो ये ब्लॉक जो है वो x डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, तो हम सभी जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसकी वेलोसिटी अगर v नीचे है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है v, इसका अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर नीचे की ओर a है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a होता है। अच्छा, ये तो बात पता है, तो बहुत सिंपल। लेकिन अगर यही चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तो तब बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि क्या करें सर, कैसे करें सर, उसमें काफी कंफ्यूजन आता है ना। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूं, उस तरीके से कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो पुली की बस एक ही बात में झटके से सॉल्व। ठीक है, वो तरीका पहले मैं बता दूं। देखो बेटा, इस पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये अगर ये पार्टिकल अगर ये जो मास है a, अगर नीचे की तरफ जा रहा हो v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट भी v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम बना लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं बनाता हूं तो इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी v है, मान के चलो 2 मीटर पर सेकेंड है नीचे की तरफ। और ये जो है इस लेंथ को, ये वाला लेंथ इस लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये वाला लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है, इसकी वेलोसिटी v दी हुई है, इसकी निकालनी है हमें। v ऑफ a गिवन है, v ऑफ a इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड, तो v ऑफ b गिवन कितना होगा, ये तो देख के भी पता चल रहा है सर, पता चल रहा है। बट मैं जो तरीका बताने वाला हूं उसके लिए हम सबसे पहले बेसिक्स में उस तरीके को अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको उसमें अप्लाई करेंगे, इसमें जो काफी कॉम्प्लिकेटेड वाले पुली सिस्टम्स होंगे उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये पॉइंट नीचे जा रहा है तो हम इसको +2 ले लेंगे, नीचे जाने की वजह से नहीं, ये पॉइंट इस नीचे जाकर के इस लेंथ को बढ़ा रहा है, इसे +2 ले लिया। ये पॉइंट रुका हुआ है क्योंकि ये पुली कहीं नहीं जा रहा, ये पुली कहीं नहीं जा रहा, तो इसका कोई भी पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई 0। अब ये पॉइंट की वेलोसिटी, ये भी कहीं नहीं जा रहा, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 लिख लिया। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी हमको निकालनी है, हम ये मानते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है एंड वी डोंट नो द डायरेक्शन, और हम इन सबको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। भाई 0 किया क्यों, ये आया कहां से, तो पहले ये देख लेते हैं, ये लेंथ बढ़ा, ये लेंथ जो भी हो इसका, तो अब इन दोनों का हमने सारे पॉइंट की वेलोसिटीज का सम लिखा और वो सम हो गया माइनस, सम हो गया 0, इस सम को हमको 0 करना है और वेलोसिटी आ गई -2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो v जो है इसके अपोजिट मतलब ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को भी अपन बना सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम वाली पुली देखते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अगर मैं बनाऊं, जैसे कि ये वाला है ऐसा है, ये ऐसा है,
फिर यहाँ से जाकर के ये ऐसा है ये, ठीक है, ये तीन मास वाला सिस्टम है, ये ऐसा है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये मूवेबल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बोला गया ए नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ए नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बी ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो सी की वेलोसिटी बताओ क्या होगा। अब भैया इस चीज में अगर मैं ये तो नहीं कर सकता, मैं अगर बेसिक्स में जाऊं तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसको रोकूंगा, फिर इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसको रोकूंगा, तो ये जो तरीका होता है वो काफी टफ हो जाता है बच्चों के लिए। तो हमारा जो पुराना तरीका था, हमने जो अभी तरीका बताया, हम उस तरीके से सॉल्व करके एक बार देखते हैं। तो अगर ये बेटा नीचे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है और ये वाला पॉइंट इस लेंथ को बढ़ाएगा, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वो इस वाले लेंथ को बढ़ा रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी को मैं +2 ले लेता हूं। ये वाला पुली का ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, तो कहीं नहीं जा रहा तो किस लेंथ को वो बढ़ा रहा है, घटा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ना ये बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, 0 लिख दूंगा। फिर ये वाला भी कहीं नहीं जा रहा है, ये भी रुका हुआ है, तो इस लेंथ को, इस प्रॉपर इस लेंथ को, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ये ना तो बढ़ा रहा है ना तो घटा रहा है, इसको भी 0 कर दिया, है ना। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट की बात आती है, तो ये चूंकि बी जो है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पूरी ऊपर जा रहा है, पूरी ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला दोनों पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसका जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये घटेगा, तो घटेगा तो कितने रेट से घट रहा है, घटने का रेट है 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसको मैं -3 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला भी जो है, इस लेंथ को, जो दो पुली के बीच जो लेंथ है, इस लेंथ को, ये इसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर की ओर है, इस वजह से इस लेंथ को इसकी वेलोसिटी घटाएगी, तो उसको हम -3 कर देते हैं। अब इसकी वेलोसिटी तो 0 है, तो इसको 0 कर देते हैं, और इसकी वेलोसिटी भी 0 है, तो उसको भी 0 कर देते हैं, और इसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता, हम इसको सिंपली +3 कर देंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बेटा देखो v क्या आ गया, -3 -3 -6 +2, तो कितना आ गया, -6 +2 -4 +b = 0, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, है ना। अब 4 मीटर पर सेकंड आया तो हमको डायरेक्शन भी पता करना है। अरे भाई हमको ये तो पता चल गया, हमें ये तो पता चल गया कि v का मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन हमको v का डायरेक्शन नहीं पता है, तो हमको आया v का डायरेक्शन प्लस में आना। अच्छा प्लस में आने का मतलब ये जो है इसकी वेलोसिटी इस लेंथ को बढ़ा रही है, इस लेंथ को ये तब बढ़ाएगी जब इस पॉइंट का वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में, है ना, इसका मतलब VC जो है नीचे के डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड होगा। इस तरह सबसे हमने इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, इस मेथड से हमने चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व किया, बस एक लाइन की चीज है, बस एक लाइन में हमने फटाक से सॉल्व किया, ठीक है। तो इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। Smart education is the best choice. Please contact us at 3rd floor, Siddhi Puja Residency, behind Hotel Vihar, Old Gangapur Naka, Gangapur Road, Nashik.